झज्जरपुर नाम के गांव में एक राधा नाम की लड़की अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसे गाना गाने का बहुत शौक था, इसीलिए हमेशा गुनगुनाती रहती थी। पर उसकी सौतेली माँ रामवती को उसका गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन राधा धीमी आवाज में गाना गा रही होती है, तभी वहाँ रामवती आ जाती है। सत्यानाश हो इसका, सारी रोटियाँ चला मारी। गाने से ध्यान हटाओ महारानी और रोटियों पर ध्यान दो, तुम्हारी ये जली भुनी रोटियां हमसे तो ना खाई जाएगी। माफ करना माँ, गलती हो गई, वो मेरा ध्यान जरा। तभी राधा के पिताजी सत्य प्रकाश वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ, क्यों डांट रही हो उस बेचारी को? तुम्हें पता है ना, उसे गाना गाना कितना पसंद है, इसीलिए गुनगुनाती रहती है वो। पर उससे तुम्हें क्या परेशानी? अब वो बड़ी हो गई है, इस उम्र में उसे डांटना ठीक नहीं है। उसकी उम्र अब शादी की हो गई है, हमें तो उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर देनी चाहिए। शादी की बात सुनते ही राधा शर्मा कर अंदर चली जाती है। शादी? अरे शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे अब? अगर इस लड़की की शादी में इन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए तो मेरी सुमन के लिए तो कुछ ना बचेगा। ना ना ना, मैं ऐसा ना होने दूंगी, देखती हूँ इस लड़की की शादी कैसे होती है। उसके बाद सभी खा पी कर सोने चले जाते हैं। सत्य प्रकाश को सुबह जल्दी अंधेरे उठने की आदत थी, इसलिए वो सुबह 4 बजे ही उठ जाता है खेतों पर जाने के लिए। उसके साथ राधा भी उठ जाती है सत्य प्रकाश के लिए खाना बनाने के लिए। सत्य प्रकाश खाना लेकर खेतों पर निकल जाता है। पिताजी तो चले गए हैं, अब माँ के उठने से पहले पहले मुझे भी जाना होगा मनोहर से मिलने के लिए। मनोहर ठाकुर का बेटा था। मनोहर और राधा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पहाड़ी के पीछे बने खंडहर में वो दोनों रोज मिला करते थे। राधा गाना गाकर मनोहर को मिलने के लिए बुलाती थी। एक दिन रामवती चुपके से दोनों को मिलते हुए देख लेती है। वो फौरन ये बात ठाकुर को बता देती है। क्या, उस घटिया सी लड़की की ये मजाल, तो मेरे बेटे को फंसाने चली? पर मैं इस रिश्ते को और आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मार दूंगा जान से मैं उस लड़की को। राधा मनोहर से मिलने के बाद अपने घर की तरफ जा ही रही होती है कि तभी पीछे से ठाकुर और उसके गुंडे वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम कौन हो और मुझे क्यों पकड़ रखा है, जाने दो मुझे। जिस लड़के से अभी तुम मिलकर आ रही है वो मेरा बेटा है। ए लड़की, दूर रह मेरे बेटे से, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठाकुर साहब माफ करना, पर मैं मनोहर से बहुत प्यार करती हूँ, उसे नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। राधा का ये जवाब सुनते ही ठाकुर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जलती मशाल उसके मुंह पर फेंक मारता है। जलती हुई मशाल राधा के मुंह पर पड़ने से राधा का पूरा मुंह जल जाता है और धीरे धीरे वही आग उसके पूरे शरीर पर फैल जाती है और राधा तड़प तड़प कर वही दम तोड़ देती है। ठाकुर साहब, ये तो जलकर मर गई, अब इसकी लाश का क्या करें? इसकी लाश को उठाकर जंगल में फेंकाओ, जंगली जानवर इसे नोच नोच कर खा जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा फिर, समझे? ठाकुर और उसके सभी गुंडे राधा को जंगल में फेंक कर चले जाते हैं। पर रामवती चुपके से ये सब देख लेती है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मेरे रास्ते का कांटा तो इस ठाकुर ने बड़ी आसानी से हटा दिया, अब सब कुछ मेरा है। रामवती खुश होती हुई वहाँ से चली जाती है और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। सत्य प्रकाश के पूछने पर वो उसको बोल देती है कि राधा गांव के एक लड़के के साथ भाग गई। कुछ दिन बीतने के बाद एक रात जब सभी गहरी नींद में सोए हुए थे, तब गाँव में एक चुड़ैल आती है और गाना गाते हुए अपने मुँह से आग निकालने लगती है। ये इतनी रात गए गाना कौन गा रहा है? अब तो गांव में वो राधा भी नहीं है, फिर दूसरा अब कौन आ गया गाना गाने वाला, चल कर देखती हूँ। खिड़की से बाहर झांकते ही रीना के पसीने छूटने लगते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चुड़ैल, हमारे गांव में चुड़ैल, अरे चैन की नींद सोने वालों उठो और जरा अपने अपने घरों की खिड़कियों से बाहर झांक कर देखो, चुड़ैल गुस्सा ही है इस गाँव में। रीना का शोर सुनकर पूरा गाँव उठ खड़ा होता है और कोई खिड़की से तो कोई घर का दरवाजा खोल चुड़ैल को देखने लगता है। चुड़ैल नहीं है वो, उधर देखो, वो चुड़ैल तो गाना गा रही है पर गाने के साथ साथ उसके मुंह से आग भी निकल रही है, कहीं ये चुड़ैल गांव में आग न लगा दे। सभी लोग चुड़ैल का गाना बहुत ही ध्यान से सुनने लगे, पर चुड़ैल अब रोने लगती है और रोते रोते जोर से गाने लगती है।
जितनी जोर से वो गाना गाती उतनी ही तेज उसके मुंह से आग निकलती। वही आग की लपटे गांव में इधर उधर गिरने लगी और चारों तरफ आग ही आग दिखाई देने लगी। अभी तो तुम्हें मेरा गाना सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब मैं इतनी जोर से गाऊंगी कि तुम सबके कान फट जाएंगे, इतनी जोर से। चुड़ैल पूरा जोर लगाकर गाने लगती है और अब उसके मुंह से और ज्यादा आग निकलने लगती है। गांव के कई घर आग की चपेट में आ जाते हैं। अगर जल्द से जल्द इस चुड़ैल को गांव से नहीं भगाया तो ये चुड़ैल हम सबको बहरा बना देगी और हमें इस आग में भून कर खा जाएगी। इसे जल्द से जल्द भगाओ यहाँ से। ये सच में हमें बहरा बना कर छोड़ेगी। अरे खड़े खड़े सब देख रहे हो, इसे इन पत्थरों से मार मार कर भगाओ, जल्दी करो। पत्थरों की मार मुंह पर पड़ते ही चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। सत्यानाश हो उस चुड़ैल का, मेरा पूरा का पूरा घर चला गई, अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। दुखी मथुरा की बहन, जब तक तुम अपना घर तलाश नहीं कर लेती तब तक तुम मेरे घर पर रहो आराम से। वो चुड़ैल गांव में बहुत नुकसान कर गई है, जानवरों को भी काफी चोटें आई हैं। हे भगवान, दोबारा वो चुड़ैल इस गांव में आकर गाना ना गाए, क्योंकि ये सबको समझ तो आ ही गया होगा कि वो चुड़ैल गाने के साथ साथ अपने मुंह से आग भी निकालती है। चुड़ैल चली जाती है, पर वहां से वो सीधा गांव वालों के खेतों में घुस जाती है और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर गाना गाने लगती है, वो भी एक दुख भरा गाना। ये चुड़ैल तो फिर शुरू हो गई। भाइयों, कुछ भी कहो पर चुड़ैल की आवाज है बहुत सुरीली, पर एक गड़बड़ है। जब ये गाती है तो अपने मुंह से आग भी साथ में निकालती है और आसपास का सब जलाकर तबाह कर देती है। वहाँ खेतों में बैठकर चुड़ैल रोते रोते गा रही थी और उसके मुंह से काफी आग भी निकल रही थी। इससे पहले कि सभी लोग वहाँ आते, चुड़ैल खेतों में आग लगा चुकी थी। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि चुड़ैल खुद ही आग से डरने लगती है। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, ये आग मुझे जला रही है, इस आग से मेरा चेहरा बहुत जल रहा है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। गांव के सभी लोग चुड़ैल का ऐसा व्यवहार देखकर हैरान थे। थोड़ी ही देर में चुड़ैल वहां से भाग जाती है। उसके जाते ही सभी लोग खेतों में लगी आग बुझाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। वहाँ सत्यप्रकाश घर के कोने में बैठकर राधा को याद करके रो रहा होता है। तभी सत्यप्रकाश को गांव में शोर सुनाई देता है और वो बाहर देखने चला जाता है, पर वो क्या देखता है कि मुंह से आग निकालने वाली चुड़ैल ठाकुर के पीछे भाग रही थी। ठाकुर आगे आगे और चुड़ैल मुंह से आग निकालती हुई उसके पीछे। भाग भाग, तू कहाँ तक भागेगा, भाग, तू कहीं भी भाग, पर आज मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी जैसे तूने मुझे किया था। ठाकुर फौरन सत्यप्रकाश के पीछे छिप जाता है। सत्यप्रकाश, मुझे बचा लो, मुझे इस चुड़ैल से बचा लो, नहीं तो ये मुझे जला देगी। पिताजी, तुम्हारा बेटा आ गया है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें इस चुड़ैल से बचाऊंगा। ए चुड़ैल, छोड़ दे मेरे पिताजी को और जा यहाँ से। एक दिन ऐसा था जब तुम मुझे बोलते थे कि मत जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ, आज तुम मुझे देखकर यहाँ से भागने को बोल रहे हो। रामवती छिपकर सब देख रही थी और उसे शक भी था कि कहीं राधा ही तो मरने के बाद चुड़ैल नहीं बन गई और अब वो सबसे बदला लेने आई है। डर के मारे वो अपना मुंह खोल देती है। ये सब इस ठाकुर का किया धरा है, मैंने कुछ नहीं किया, इस ठाकुर ने राधा को मारा जलाकर, मैंने खुद देखा था छिपकर उसे जलाते हुए, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके बेटे की शादी राधा से हो, और ये चुड़ैल शायद राधा ही है, मैंने सही कहा ना। रामवती का मुंह खुलते ही सबको राधा के बारे में पता चल जाता है कि वही चुड़ैल बनकर आई है। ठाकुर भी रामवती के बारे में सब बता देता है कि उसी ने आकर उसके कान भरे थे कि राधा और उसका बेटा छुपकर मिलते हैं। मनोहर चुड़ैल का हाथ पकड़कर उससे माफी मांगता है और अगले जन्म में फिर से मिलने का वादा करता है।